बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे दोस्तों। आज है 17 अप्रैल 2021 और दिन है हफ्ता का। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 5 मिक्स न्यूज़ और साथ में कुछ ये आप भी देख रहे हैं, ये भी कुछ साथ में चल रहा है। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है ओमानियों के लिए कि इन दिनों वो इंडिया का सफ़र ना करें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपको जाना है तो तभी सफ़र करें, वरना ना करें। जो मौजूदा बीमारी है इसके केस बहुत ज़्यादा तादाद में न्यू निकल रहे हैं। इसके बाद में नंबर 2 पर सलाला के हवाले से जो सुल्तान कबूस हॉस्पिटल है उसके हवाले से एक झूठी न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि वहाँ पर सांस लेने का जो सिस्टम है उसमें कमी वाकया हुई है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ये क्लियर किया गया है कि ये सब झूठी खबरें हैं, इन पर यकीन ना करें। वहाँ सुल्तान कबूस हॉस्पिटल सलाला में बिल्कुल हर चीज़ मौजूद है, हर सामान मौजूद है। और इसके बाद में नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो भी सलाला हॉस्पिटल के हवाले से ही है, जो सुल्तान कबूस हॉस्पिटल है उसके हवाले से कि ICU में तकरीबन 50 मरीजों से ज़्यादा दाखिल हो चुके हैं ICU में। तो अल्लाह ताला उन सबको जल्द से जल्द सेहतियाब करे। इसके बाद में नंबर 4 पर जो ओमान के अंदर फिक्स फ़ोन वाले हैं और मोबाइल वाले और ये जो फिक्स लाइन हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा गया है। फरवरी 2021 के आखिर में जो फिक्स फ़ोन वाले थे उनकी तादाद थी 5,92,000 और जो मोबाइल फ़ोन वाले थे वो 6 मिलियन से तजावज़ कर चुके हैं। और इसके बाद में एक्टिव मोबाइल ब्रॉडबैंड वालों की तादाद 1.5 मिलियन से ज़्यादा है। और इसके बाद में नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है मुआसलत बस के हवाले से। मुआसलत बस जो है वो रूट नंबर 100 यानी सलाला टू मस्कत, मस्कत टू सलाला, वो सस्पेंड कर दी गई है नेक्स्ट नोटिस तक। तो ये थी आज की 4 से 5 मिक्स न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मज़ीद ऐसे ही अच्छे और मालूमती वीडियोज़ के लिए मिलते हैं दूसरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।